सूरजपुर जिले में पुलिस के प्रधान आरक्षक तालिब शेख की पत्नी और मासूम बेटी की हत्या के बाद प्रशासन और पुलिस अब गहरी नींद से जाग चुकी है। घटना ने पूरे जिले को झकझोर कर रख दिया है, लेकिन सवाल उठता है कि यदि पहले ही गुंडों, माफियाओं और कबाड़ कारोबारियों पर सख्त कार्रवाई की जाती तो शायद यह घटना टाली जा सकती थी। इस घटना के बाद अब जिला MCB और चिरमिरी क्षेत्र में कबाड़ कारोबारियों पर पुलिस ने सख्ती दिखाने शुरू कर दी है। पुलिस ने चिरमिरी के विभिन्न क्षेत्रों में दबिश देकर अवैध कबाड़ के धंधे को खत्म करने के लिए मुहिम छेड़ दी है। नगर पुलिस अधीक्षक दीपिका मिंज के नेतृत्व में पुलिस टीम ने कबाड़ माफियाओं पर छापा मारा और उन्हें तत्काल अवैध कारोबार बंद करने की सख्त चेतावनी दी। चिरमिरी क्षेत्र में कबाड़ से संबंधित चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही थी। इसको लेकर उप क्षेत्रीय प्रबंधकों के साथ मिलकर खदानों में चोरी पर भी सख्ती से नजर रखने की योजना बनाई है। पुलिस का प्रयास है कि किसी भी स्तर पर अवैध कबाड़ कारोबारियों को सिर उठाने का मौका न मिले और उनके नेटवर्क को तोड़ा जा सके। हालांकि पुलिस की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि कबाड़ियों के गोदामों पर लगातार छापेमारी की जाएगी और इस बार सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। अब सवाल उठता है कि यह अभियान कब तक चलेगा और कब पुलिस इन माफियाओं पर पूरी तरह से अंकुश लगाने में सफल होगी। चिरमिरी सब डिवीज़न में लगातार अवैध कबाड़ के कारोबारियों के ऊपर में कार्रवाई की जा रही है और वर्तमान में भी लगातार उनके गोदाम में छापे मारे जा रहे हैं और कार्रवाई की जा रही है। आज भी सभी जो कबाड़ का अवैध कारोबार कर रहे हैं उन लोगों के गोदाम में छापा मार करके कार्रवाई की गई है। उन इस संबंध में हमारे द्वारा उनकी भी मीटिंग ली गई थी और उन्हें भी समझाइश दी गई है कि ऐसा कुछ भी अवैध कारोबार नहीं चलना चाहिए।